इस तरह के क्वेश्चन जिसमें डिस्काउंट परसेंटेज भी दिया हो और प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया हो तो आप क्या कीजिए आप सेलिंग प्राइस के साथ सेलिंग प्राइस के फॉर्म में कॉस्ट और मार्क प्राइस को कंपेयर कीजिए ही सेलिंग एट ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट दैट मीन द सेलिंग प्राइस इज एक्चुअली एटी परसेंट ऑफ द मार्क प्राइस क्योंकि डिस्काउंट मार्क प्राइस का परसेंटेज होता है ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट देना मतलब मार्क प्राइस को ट्वेंटी परसेंट कम करके सेल करना

if he were to instead sell the same radio at a discount of 30% find his loss or profit percent. अब अगर 30% परसेंट डिस्काउंट देगा तो थर्टी परसेंट डिस्काउंट वो वन ट्वेंटी का देगा क्योंकि वन ट्वेंटी हमने मार्क प्राइस जूम किया है वन ट्वेंटी का दस परसेंट बारह होता है थर्टी परसेंट थर्टी सिक्स होगा तो थर्टी सिक्स रुपीज़ का अगर ये डिस्काउंट देगा तो ही विल हैव टू सेल एट एटी फोर रुपीज़ थर्टी सिक्स कम करके तो आप देखोगे तो ही विल स्टिल अर्न अ प्रॉफिट ऑफ फोर रुपीज ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एट्टी रुपीज एटी के ऊपर पांच चार रुपए का प्रॉफिट हो रहा है दैट मीन उसे तब भी देखा जाए तो पांच परसेंट का प्रॉफिट होगा सो दे आर आस्किंग दिस ओनली फाइंड इज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज तो योर आंसर विल बी फाइव परसेंट प्रॉफिट